जिम्मेदारी से अब मैं भारी बात पर आ जाऊं फिर नहीं, मुझे मौका दीजिए कि हाँ। मैं भी ये बता सकूं, क्योंकि इसका जिक्र मैंने आपसे शुरू में किया था और अभी हम बात कर रहे हैं पहलवानों की और पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पहलवान खुश खुराकी के साथ साथ खुश लिबासी के लिए भी मशहूर हैं, ये मैंने आपको बताया था। और मीठी ईद करीब है और पहलवान बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में घूम फिर कर अपने लिए ईद की शॉपिंग कर रहे हैं और मजीद हमें बता रहे हैं उस्मान खलील। गुजरांवाला के पहलवान खुश खुराक होने के साथ साथ खुश लिबास भी हैं। अगर ईद की बात की जाए तो हर एक पहलवान की ख्वाहिश है कि वो ईद के दिन मुनफरिद और खूबसूरत दिखे। तो कुछ पहलवानों ने इस वक्त अपनी ईद की शॉपिंग के लिए मार्केटों का रुख किया है और अपने रवायती अंदाज में हाथों में गुर्ज लाचा कुर्ता पहने इस वक्त मार्केट का राउंड लगाया जा रहा है और अपने लिए ईद की शॉपिंग की जा रही है। साथ में ये तमाम जो है मार्केट के निगाहों का मरकज भी बने हुए हैं, कोई उनके साथ सेल्फी ले रहा है तो कोई ग्रुप फोटो ले रहा है। जी पहलवान साहब, आपने क्या लिया है ईद के लिए? ईद आ रही है तो ईद की वजह से हमने कुर्ता पसंद करने के लिए अपना लिबास जो हमारी सकाफत है कुर्ता और लाचा और खुसा उसको पसंद करने के लिए हमने मार्केट का रुख किया है और सारी मार्केट फिरे हैं, क्योंकि जैसे हम स्पेशल पहलवान हैं इसलिए हम चाहते हैं कि कोई जो हम लिबास पहने वो भी स्पेशल हो। क्या कहेंगे पहलवान साहब, आपने क्या लिया है ईद के लिए? जी हम शॉपिंग के लिए मॉल में आए हैं क्योंकि रमजान तेजी से गुजरता जा रहा है और रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो गया और इसलिए मैंने आज शॉपिंग के लिए मॉल का रुख किया। और ये देखे मैं आज ये कुर्ता खरीदा है, उसके अलावा मैंने खुसा खरीदा है, उसके अलावा मैं लाचे भी खरीदे हैं जो कि मैं ईद में पहनूंगा और सबसे मुनफरिद नजर आऊंगा। जी आपने इन पहलवानों की बात सुनी, इनका कह रहे हैं कि हम जिस तरह अपने अखाड़े में जिस तरह मेहनत करते हैं इस तरह अपनी शॉपिंग के लिए भी हम शॉपिंग के लिए भी जो है आज तगोदौड़ कर रहे हैं ताकि ईद पे खूबसूरत नजर आए और सबसे मुनफरिद दिखें। जी कितने कोई खूबसूरत किस्म हाँ। के कपड़े थे भाई, मैं तो मतलब सॉरी मैं थोड़ी सी जेलस हो गई हूँ, मैंने तो इतने अच्छे कपड़े ही नहीं लिए। वेरी नाइस, भी मुझे बहुत पसंद आया, उससे इलाके का पता लगता है कि किस इलाके से हैं। हाँ, खास nice. उनका अंदाज बोलने का पहलवानों का फिर इस तरह होता है। तो अभी हम आगे ब्रेक ले रहे हैं या हम कोई और खबर बता